आज हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की, जिसमें कि हमारे साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि उसमें चार्जशीट कैसे फाइल की जाती है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट होता है उसके अंदर चार्जशीट नहीं होती, उसके अंदर रिपोर्ट रहती है प्रोटेक्शन ऑफिसर की, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर के डिफाइन किया गया। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी कोई महिला या पुरुष जिसको ये लगता है कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट के द्वारा या फिर पुलिस के द्वारा मजिस्ट्रेट्स की शिकायत या कंप्लेंट की जा सकती है। उसमें होता ऐसा है कि जब कोई महिला कोर्ट में जाती है तो कोर्ट के अंदर वो सेक्शन 200 CRPC के अंदर एक कंप्लेंट फाइल करती है, तो उसमें ये वर्जन लिखा जाता है कि उसके साथ ये चीज़ हुई है। तब जो मजिस्ट्रेट होंगे या इलाका मजिस्ट्रेट होंगे वो उसके सोचेंगे, तो वो एक फॉर्म होता है जो उसके द्वारा फिल करवाया जाता है, तो वो फॉर्म प्रोटेक्शन ऑफिसर को भेजा जाता है। तो वो फॉर्म भेजने के बाद जो प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है वो उन सभी लोगों को समन करता है जिनके खिलाफ वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस फाइल हुआ है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर उनको समन करके बुलाता है और वो देखते हैं किसी अगर किसी का कसूर है या नहीं है, तो वो उनका समझौता या जो भी हो उनका बनता है या कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट जैसे भी हो वो उनके केस से रिलेटेड हो तो वो उनके अंदर मेंशन करता है। अगर उस टाइम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का अगर केस बनता है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होता है अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देता है। लेकिन कभी कभार ये भी होता है कि जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा सुलझाए जाने वाले मामले होते हैं छोटे मोटे, या किसी को ऐसे दारू पी के पीट दिया या वो कर दिया या वो कर दिया, जैसे आपको पता ही है डोमेस्टिक में ऐसा होता रहता है छोटी मोटी बातें, तो वो अपने बिहाफ पर वहीं पे समझा देते हैं और उनको घर भेज देते हैं और प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी रिपोर्ट भेज देते हैं कि इनका ऑलरेडी समझौता हो गया और वो घर गए। लेकिन जब प्रोटेक्शन ऑफिसर को ये पता लगे कि इनका समझौता यहाँ नहीं हो सकता, काम नहीं बनता है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट के भेज देते हैं। तब इलाका मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस लेते हैं और नॉर्मल मिसलेनियस प्रोसीडिंग के तहत आते हैं, तो वो अपनी जो फर्दर प्रोसीडिंग होती है एज मिसलेनियस प्रोसीडिंग वो उनको कॉग्निजेंस करते हैं। अगर उसके अंदर कोई विटनेस है जो जैसा भी है तो वो उनको समन करते हैं और इन्हीं बातों को सुन के इलाका मजिस्ट्रेट अपना डिसीजन देते हैं। तो गाइस यही था जो हमने आपको बताया।